हाय गाइस, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से शेयर प्राइस को मैनिपुलेशन किया जाता है और आपको उससे बचना है ताकि अपना जो पैसा है वो बर्बाद ना हो। तो आगे बढ़ने से पहले, एज यूजल, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है, एंड अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। तो गाइज, आज मैं आपके साथ पांच मेथड डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किस तरह से मैनिपुलेशन हो सकता है ना, आपको संभल के रहना है। पहला होता है वॉश ट्रेडिंग। नाउ व्हाट इज वॉश ट्रेडिंग? जहाँ पे एक स्टॉक जो है उसको बार बार परचेस सेल किया जाता है टू जनरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी, मैंने यहाँ पे दिया है, मतलब उसको बेचेंगे खरीदेंगे, बेचेंगे खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है, मार्केट में उसको वॉल्यूम बढ़ जाता है, एंड जैसे वॉल्यूम बढ़ता है उन लोग कि अच्छा, स्टॉक मार्केट में ये पता नहीं चलता कि कौन क्या ले रहा है, बस वॉल्यूम पता चलता है कि वॉल्यूम ग्रो हो रहा है। तो मूवमेंट वॉल्यूम इंक्रीजेस इज वन ऑफ द साइन कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब प्राइस आगे बढ़ने वाला है, करेक्ट ना? सो दिस विल अट्रैक्ट द इन्वेस्टर, इससे प्राइस और बढ़ेगा, करेक्ट ना? एंड एक बार इन्वेस्टर ने खरीद लिया, बाद में अपन ट्रेडिंग बंद कर देते तो कंपनी में कुछ इतना होता नहीं, तो प्राइस गिर जाता है। एंड प्राइस गिरने के बाद फिर जिन लोगों ने हाइयर सेट पे इन्वेस्ट किया है, दे आर फोर्स टू सेल, एंड द मोमेंट दे आर फोर्स टू सेल, जो एक्चुअल बायर है वो लोअर रेट पे उसको खरीद लेते हैं। तो यह है पहला मेथड वॉश ट्रेडिंग। तो आपको संभल के रहना है, ऐसा अगर हो रहा है, मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी को फायदा ही हो रहा है, आपको उसका हिस्ट्री चेक करना है कि अभी 10-15 में हो रहा है या लास्ट 6 महीने से हो रहा है, 1 साल से हो रहा है। तो अगर वो लॉन्गर पीरियड के लिए तो अपन सोच सकते हैं। सेकेंड, ब्रोकर एंड प्लेस्टेयर्स। नो, प्लेज का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के दिया है, प्रोमोटर्स उनके वीडियो उनके शेयर्स को प्लेज करते हैं ताकि पैसा उनको चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, प्रोमोटर पैसे को रेज करने के लिए उनके शेयर्स को प्लेज करते हैं, ठीक है? सो अभी इससे क्या होता है, अगर मैं मैनिपुलेशन मेरे को क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, हम इन्फ्लुएंस करेंगे कि शेयर का प्राइस कम हो, मार्केट में न्यूज़ फैलाएंगे कि प्रोमोटर ने शेयर्स को प्लेज किया है, कंपनी प्रॉब्लम में है, इससे क्या होगा, शेयर का प्राइस गिर जाएगा, करेक्ट ना? तो जब प्राइस गिरेगा तो प्रमोटर्स को क्या करना पड़ेगा, उनको ये सिक्योरिटी करके दिया रहता है, अभी प्रमोटर ने सिक्योरिटी करके लोन रेज किया, जब उसका वैल्यू कम होगा, जिन जिन लोगों से उन्होंने शेयर्स के अगेंस्ट लोन लिया उनको पैसे देना पड़ेगा, प्रमोटर के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो शेयर्स बेच देगा एट अ लोअर रेट, एंड द मोमेंट ही सेल्स एट अ लोअर रेट अपन क्या करेंगे, अपन उसको लो रेट पे खरीद लेंगे। तो ये सेकंड तरीका है कि प्ले शेयर्स का प्राइस गिरा के लोग मार्केट में शेयर्स खरीद सकते हैं, ये दूसरा तरीका है। नाउ तीसरा, पंप एंड डंप। अभी एक बहुत कॉमनली मेथड है जहां पर मैं खाली लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करूंगा, है ना, मैं क्या करूंगा, यस, या फिर उसको क्या बोलते हैं, या लार्ज नंबर के शेयर्स में खरीदूंगा और मार्केट में न्यूज फैलाऊंगा कि कंपनी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या शेयर्स ले लो, कंपनी के रेट बढ़ने वाले, अभी काफी लोगों को नॉलेज नहीं होता है एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्योंकि हर एक बंदा फाइनेंस फील्ड से नहीं होता है ना? तो मैं शेयर्स खरीद लूंगा, ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लूंगा, द मोमेंट आई बाय इट इन इंक्रीज क्वांटिटी व्हाट विल हैपन, इन्वेस्टर विल स्टार्ट लुकिंग एट कि प्राइस क्यों बढ़ रहा है, इतने लोग क्यों खरीद रहे हैं, मतलब कुछ तो होने वाला है, तो ये न्यूज हम फैलाएंगे कि नेक्स्ट मल्टीबैगर है ना, तो या फिर हम बताएंगे शेयर अंडर वैल्यूड है, तो जो अनइन्फॉर्म इन्वेस्टर है जिसको नॉलेज नहीं वो क्या करेगा, उसको लगेगा कि यार प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो वो एट दिस प्राइस वो खरीद लेगा, करेक्ट ना? करेक्ट ना? तो प्राइस जैसे बढ़ेगा वो खरीद लेगा, फिर जैसे प्राइस बढ़ता है लोग क्या करेंगे बताओ, जिन लोगों ने पहले खरीद कर रखा है वो शेयर डंप कर देंगे, तो मैंने बिल्डर ने शेयर 60 रुपये में लिया है, न्यूज फैलेगा कि कंपनी को बड़ा काम मिलने वाला है, नेक्स्ट मल्टीप्लायर लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं, तो वो जो 90 पे जाएगा मैं बेच के मेरा प्रॉफिट 30 रुपये कर दूंगा, क्योंकि मैंने 60 पे लार्ज क्वांटिटी लिया है एंड कंपनी के बारे में न्यूज फैला के मैनिपुलेट किया है, तो न्यूज फैला के आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, फिर जैसे 90 पे आएगा मैं मेरे शेयर्स बेच दूंगा, मेरे को 30 रुपये फायदा हो गया, जिन लोगों ने 90 पे लिया है वो कभी वो धड़ाधड़ नीचे गिरेगा क्योंकि कंपनी एक्चुअली परफॉर्म कर ही नहीं रही है। तो ये तीसरा तरीका है। चौथा तरीका है शॉर्ट एंड डिसॉर्ट, करेक्ट ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट सेलिंग करेंगे, करेक्ट ना? मतलब जिसका प्राइस शेयर्स का बार बार बढ़ रहा है उसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट सेलिंग करेंगे, तो शॉर्ट पोजीशन लेंगे मार्केट में,
ताकि उसका प्राइस आर्टिफिशियली और बढ़े, उसका प्राइस आर्टिफिशियली और बढ़े बाय स्प्रेडिंग द नेगेटिव न्यूज अबाउट द कंपनी। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, शॉर्ट सेलिंग तो करूंगा, नेगेटिव न्यूज फैलाऊंगा कंपनी के बारे में कि कंपनी गड़बड़ कर रही है। तो ये तो इसमें क्या होगा, जो इन्वेस्टर है उसके ये सब माइंडसेट का खेल है, उनके माइंड में कंपनी के बारे में अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट होगा, एंड जैसे सिचुएशन क्रिएट होगा वो क्या करेंगे, शेयर्स को बेचना स्टार्ट करेंगे, करेक्ट ना। प्राइस कम होगा एंड जिससे जिन लोगों ने शॉर्ट सेलिंग किया उनको क्या होगा, फायदा होगा। तो पहले मैं शॉर्ट सेलिंग करूंगा, न्यूज फैलाऊंगा, प्राइस गिराऊंगा, पैसा कमाऊंगा, इसको बोलते हैं शॉर्ट एंड शॉर्ट। लास्ट मेथड है स्पूफिंग, करेक्ट ना। तो यहाँ पे बस वही है, मैं लास्ट नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, मेरा इंटेंशन नहीं बाय करने का, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट प्लेसिंग द ऑर्डर, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर को जस्ट प्लेस कर रहा हूँ, बस मेरा इंटेंशन नहीं बाय करने का, क्योंकि मैं प्राइस ही ऐसा कोट कर रहा हूँ कि वो हिट ही नहीं होगा। तो आई एम जस्ट प्लेसिंग द ऑर्डर जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम पास। द मोमेंट मैक्सिमम ऑर्डर विल कम, अगेन इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि भाई इतने सारे ऑर्डर आ रहे, मतलब कुछ तो कंपनी है, करेक्ट ना। सो अन जो अनइन्फॉर्म इन्वेस्टर उसको लगा रही इंडिकेशन है आगे जाके कंपनी का प्राइस बढ़ने वाला है, करेक्ट ना। तो फिर इन्वेस्टर क्या करेगा, स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, वॉल्यूम बढ़ा देगा उसका, इन्वेस्ट कर 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 करके। तो जैसे वो बढ़ाएगा मैं मेरा ऑर्डर पीछे ले लूंगा, मैं ऑर्डर पीछे लूंगा तो धड़ाम से प्राइस गिर जाएगा, एंड प्राइस गिरेगा तो जिन लोगों ने खरीदा है वो फोर्सफुली बेच ही देंगे, एंड बेचने के बाद फिर मैं खरीद लूंगा क्योंकि वो मेरे लिए कंफर्टेबल रेट है बाइंग का। तो गाइस ये पांच तरीके से स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन होता है, तो आपको इन सभी तरीकों से बचना है। अगर इसका मैं आपको समरी बताना चाहूंगा तो हर बार ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने से या लार्ज ऑर्डर प्लेस होने से ऐसा मत मानना कि कंपनी अच्छा करने वाली है, बिकॉज देयर आर मैनिपुलेटर ऑल्सो। तो आपको सभी पैरामीटर पे जज करना है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10-15 दिन का एनालिसिस करने से बेटर है यू डू इट फॉर 6 मंथ। आपको आइडिया आ जाता है कि 6 मंथ में पहले कभी नहीं हुआ है और ये सडनली हो रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है जिससे आपको लॉसेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, एंड हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।